स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन और आप देख रहे हैं शाम 5 बजे के सबसे हिट शो देश का सवाल। क्या आज देश का सवाल में चर्चा इस बात की होगी कि प्रधानमंत्री एक तरफ ग्लोबल चल रहे, विश्व में भारत की साख पड़ रही, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो दिल खोल के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भर में जहां जहां मोदी जा रहे हैं वहां वहां मोदी ही मोदी नाम चल रहा है। G7 की बैठक में जिस तरह से बाइडेन ने मोदी को गले लगाया, ज़ेलेंस्की ने बहुत उम्मीदों से मुलाकात की और जब मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मोदी के पैर छुए, ये सारी तस्वीरें बताती हैं कि मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पर दुनिया में छाए हुए हैं, जिसका फायदा बीजेपी को 2024 में मिल सकता है। अब दूसरी तरफ कश्मीर में G20 की बैठक कराकर मोदी ने एक अलग संदेश देने की भी कोशिश की, जिसको लेकर विपक्ष के कई नेता परेशान भी हैं, जैसे महबूबा मुफ्ती, जिन्हें लगता है बीजेपी ने G20 शिखर सम्मेलन को हाईजैक कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ 2024 की जंग में विपक्ष कब तक एकजुट हो पाएगा, क्या सभी विपक्षी पार्टियां एक मंच पर होंगी, इसको लेकर कई सवाल हैं, क्योंकि केजरीवाल, ममता, नवीन पटनायक, अखिलेश यादव अलग अलग रास्ते पर है। हालांकि इन सबको एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार से मिशन करवाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है जब विपक्ष की दो धड़े में बटा हो तो नीतीश का सपना कैसे साकार हो पाएगा, और ऐसी स्थिति में मोदी को टक्कर देना आसान बात नहीं। पहले कुछ बयान सुनिए जो राजनीति पर। मुझे लगता है कि ये दी वेरी फैक्ट के कश्मीर घाटी में और श्रीनगर में G20 की बैठक हो रही है और जो भिन्न भिन्न स्थान चुने गए थे उनमें से श्रीनगर भी एक है, ये स्वयं अपने में इस बात का प्रमाण है कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की परिस्थिति को दर्शाया जाता है कुछ एक मीडिया के हलकों में या कुछ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उससे हट कर के कितनी परिस्थितियाँ अब हैं और जो बदला हुआ एक दृश्य है जम्मू कश्मीर का गत कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नीति के परिणाम स्वरूप, उसको दर्शाने का भी अवसर रहेगा। सारे देश में सब लोग एकजुट हों ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। आप दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और किस तरह से सब तरह से सब लोग साथ हैं, और हम लोग बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए, राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का उस काम को रोक दिया जाएगा। अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। ऑपोजिशन की बात करते हैं तो कर्नाटका जीतने के बाद ऑपोजिशन पार्टी एकजुट अंडर वन अम्ब्रेला जो इनका एक नारा था उसके अंदर दिखती नजर आ रही है। नीतीश कुमार लगातार ऑपोजिशन लीडर्स से मुलाकात कर रहे हैं और आज भी बैठक है। मैं तो देख रहा हूँ कि बिना जो दूल्हा जो है वो बरातियों की तलाश कर रहा है और जो है वो तो कहीं ना कहीं हर जगह जा रहे हैं कि भाई मेरे बारात में साथ साथ हो जाओ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो प्रपोज बाद में करते हैं, डिस्पोज पहले हो जाता है, उनको जो है स्वीकार करने वाला कोई नहीं होता। आज इनकी स्थिति है गठबंधन की दुकान बिना सामान के हो गई है। तो ये थे मुख्तार अब्बास नकवी, वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश के साथ, महिमा कटारिया, ITV नेटवर्क। देश का सवाल क्या है, मोदी की ग्लोबल छवि से बीजेपी को क्या 2024 में फायदा होगा, पहला। दूसरा, दुनिया भर में मोदी के डंके से क्या विपक्ष परेशान है, क्या नीतीश का मिशन एकजुट कामयाब हो पाएगा 24 के लिए, क्या मौजूदा स्थिति में विपक्ष मोदी को टक्कर दे पाएगा। एक लंबा चौड़ा पैनल देश का सवाल पर मौजूद है। हमारे साथ राजीव पांडे जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हैं, साथ ही साथ दीपक झा मेरे साथ स्टूडियो में है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, परिमल कुमार नेता JDU से हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही साथ एम्बेसडर वीना सीकरी पूर्व राजनीतिक हमारे साथ हैं, आसिफ रमीज अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार सीधा दुबई से जुड़े हैं, डॉक्टर रवि गोडसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार US से हमारे साथ हैं। मैं शुरुआत वीना सीकरी जी आपसे करना चाहूंगा। मैम, दो चीजें हैं, एक जो भारत की साख है
खास तौर से कोविड और कोविड के बाद वो बढ़ी है। जो कोविड के समय भारत का आचरण रहा है, क्या ये उसका एक बड़ा इंपैक्ट है कि भारत की साख और आगे बढ़ी है? जी, जो कोविड का इंपैक्ट हुआ ये तो बिल्कुल ही जाहिर है कि हमारे जो वैक्सीन मैत्री रही, जो हमने सिर्फ ये दिखाया पूरी दुनिया को कि हमारा इतना बड़ा देश है, हमारे इतने ज्यादा लोग हैं, इतनी जरूरतें हैं उनकी मेडिकल तौर पे कोविड के समय, लेकिन फिर भी हम ये बिल्कुल एक नजर रखते हैं कि हमारे मित्र देश जो हैं उनकी क्या संकटाएं हैं और उनकी मदद हम हमेशा करने को तैयार हैं। और जो हमारी वैक्सीन मैत्री की जो प्रोग्राम था वो इतना सफल रहा कि वर्ल्ड लीडर्स कैरिबियन से लेके साउथ ईस्ट एशिया तक और इवन आइलैंड नेशंस ऑफ द पैसिफिक ओशन, ये सब आज तक दोहराते हैं कि अगर इंडिया हमारे सहारे में नहीं आता तो हमें पता नहीं क्या करता, क्योंकि बड़े देशों से वैक्सीन नहीं मिली थी, हमारे पास पैसा नहीं था कि हम इतने महंगी वैक्सीन खरीदें, लेकिन भारत ने जो हमें वैक्सीन ऑफर की वो हमें बिल्कुल फायदेमंद हुआ, हमारे लोगों का बहुत सहायता हुआ। तो वहाँ से शुरू होके अब तक हम देखते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है कि इंटरनल डेवलपमेंट, इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल प्रॉस्पेरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका जो फ़ायदा है और ये हम पूरे हमारे विश्व में जो हमारे मित्र देश हैं उनके साथ हम शेयर करने को तैयार हैं, और हम चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं, जो ग्लोबल साउथ है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो जिनकी प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें खास हम अपने नज़र में रखते हुए उन्हें हमें तैयार करने के लिए तैयार हैं। और हमने देखा इसी जो आज की तारीख में जो हमारे प्रधानमंत्री जी राजीव पांडे जी के पास चलूंगा। राजीव जी, दो चीजें एक साथ चल रही, एक विश्व पटल पर जो आज भारत की तस्वीर है, दूसरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व, और तीसरा जो विपक्ष एकजुटता की कोशिश कर रहा है। कई पीढ़ी इस बात को कहते हैं कि जैसे जैसे प्रधानमंत्री की छवि बढ़ रही है, ग्लोबली बढ़ रही है, उसका एक इंपैक्ट और फायदा भारतीय जनता पार्टी को 24 के आम चुनाव में भी होगा। राजीव जी, देखिए टंडन जी, चुनाव तो जो है वो तो देश के मुद्दों पर होगा, जो काम करते हैं उस मुद्दे पर होगा, लेकिन जिस प्रकार से पूरी दुनिया में भारत की छवि के बारे में वो आपको बिल्कुल दिख रहा है, साफ दिख रहा है, उससे बड़ी बात हुई है कि कश्मीर में जो G20 का जो चल रहा है सम्मेलन, उसमें केवल पाकिस्तान और उसका जो चाइना और उसका जो क्लाइंट स्टेट है पाकिस्तान को छोड़कर के दुनिया के सभी लोगों ने, क्योंकि शुरू में हल्ला हुआ कि टर्की भी नहीं आ रहा है, सऊदी अरेबिया भी नहीं आ रहा है, ये सब बातें खत्म हो गई, और आज जिस प्रकार से भारत की बातों को पूरी दुनिया मान रही है, जिस तरीके से G7 की मीटिंग में आपने देखा कि मोदी जी से जिस तरीके से जेलेंस्की कह रहे हैं कि भाई भारत ने भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि युद्ध रुके, तो पूरे विश्व पटल पे दो तीन कारणों से है। एक तो आपकी जो सामरिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, आप दुनिया की पांचवी नंबर की इकोनॉमी और 2027-28 में आप तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन सकते हैं जापान और जर्मनी को पछाड़ते हुए, ठीक है। तो इन सभी आधार पर अगर आप देखिए, और जो अभी बता रहे थे कि वैक्सीन मैत्री जो चला, तो ये पूरी दुनिया में हो रहा है, इनको देख करके आज जो भारत में स्थिति है, जो आपने आज की पॉलिटिकल स्थिति की बात की कि कैसे सारी पार्टियां चाहती है कि एकजुट हो जाए, देखिए एकजुट तो ये होंगे, और ये एकजुट अगर आपने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में सारी पार्टियां खत्म हो गई, केवल बीजेपी वर्सेस अखिलेश यादव जी की पार्टी में हुआ, अभी भी कर्नाटक में भी चुनाव हुआ तो जेडीएस का सारा वोट शिफ्ट हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी अब इस विषय पर काम करेगी कि हम कम से कम 45% मत हम हर जगह पर अपने दम पर लेकर के आए, एनडीए का 45% मत हो, और उस मत को लाने के लिए हमने जो काम किया है, चाहे वो देश में दिख रहा हो या विदेश में दिख रहा हो, क्योंकि देश में जब काम हो रहा है, जब आपकी इकोनॉमिक स्थिति बढ़ रही है, सुधर रही है, तो आप आज आप देख लीजिए कि अगर आप केवल एक मोबाइल का देख लीजिए, 14-15 में हम $1 बिलियन एक्सपोर्ट करते थे, आज हमारा और हमारा 20 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था, आज हम उसको पार्ट करके हम आगे चले गए। अगर आप सारी चीजों को देखिए धीरे धीरे, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में अभी भी है, हमें बहुत काम करना है, चाइना अभी भी हमें बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है, हम वहां पर काम कर रहे हैं, सामरिक स्थिति से क्वैड जो सबसे बड़ा मुद्दा है टंडन, मतलब ये बात आप मानते हैं कि ये जो एक छवि बन रही है भारत की और प्रधानमंत्री जी की, इससे फायदा बीजेपी को मिलेगा, ठीक है, पॉइंट एक बार दीपक जी जो है ना, आ रहा हूं सर, एक मिनट, मैंने पूरा वक्त आपको, एक बार दीपक जी के पास, दीपक जी दो चीजें एक साथ है,
क्योंकि हम दो चीजों को थोड़ा सा क्लब करने की कोशिश कर रहे हैं, एक भारत की स्थिति इंटरनेशनली, G20 प्राइम मिनिस्टर की विजिट, तारीफ और जो एक सम्मान मिल रहा, दूसरी तरफ विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, नीतीश बाबू आगे आगे चल रहे हैं, लेकिन कैसे एकजुट होंगे? KCR साहब कहां है, राकेश BJD कहां है, अखिलेश यादव आए नहीं, बहन जी को आपने बुलाया नहीं, दो चीजें एक साथ, तो एक ताकतवर चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का जो साथ में खड़ा है BJP के, और दूसरी तरफ एकजुटता की कोशिश अभी चल रही है। दीपक जाजी, मैं आपको पहले दो मुद्दे आपने बनाए, पहले मुद्दे पे हम बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो भारत जा रहे हैं, भारत से बाहर जा रहे हैं, और भारत की जो छवि है, जो ताकत है, वो बढ़ रही है, इस पे हम बात करेंगे। इससे पहले आप याद कीजिए, सुषमा स्वराज जी थी जो, हाँ। वो UN में भाषण देती हैं और कहती हैं कि देखो हम और पाकिस्तान साथ साथ आजाद हुए, हमने क्या बनाए, IITs बनाए, IIM बनाए, मेडिकल बनाए, एम्स हाँ। बनाए और रॉकेट्स बनाए, डैम्स बनाए, हमने ये हमारी उपलब्धि है, ये हमारे सरकारों की उपलब्धि है, ये श्रीमती सुषमा स्वराज जी का बयान है UN में। तो क्या भाजपा ने बनाया था, क्या RSS ने बनाया था, इस भारत भूमि ने बनाया था। दूसरी बात आती है, जब नरेंद्र मोदी जी जाते हैं बाहर तो कहते हैं देखो जी मैं आ गया हूँ, मैं क्या है, जब आप हिंदुस्तान से बाहर जाते हो ना, मैं नहीं होता है, भारत होता है, वो भारत का चेहरा है नरेंद्र मोदी जी, भारत माँ के लाडले हैं, तो जिसकी वजह से उनका सम्मान होता है, जो पिछले 70 सालों में देश ने बनाया है। पाकिस्तान के लिए सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा था, तुमने हक्कानी नेटवर्क बनाए, तुमने आतंकवादी पैदा किए, तुमने टेररिस्ट पूरी दुनिया में जगाए, तो पाकिस्तान को उन्होंने आईना दिखाया था। आज नरेंद्र मोदी जी जब दुनिया में जाते तो कहेंगे कि हमने IITs बनाए, हमने IIM बनाए। नरेंद्र मोदी जी तो वो व्यक्ति हैं जो भारत के बाहर जाते हैं और कहते हैं मुझे शर्म आती है कि मैं भारतीय हूँ, मैंने भारत में जन्म लिया, ऐसे लोग बोलते थे। अरे हिंदुस्तान का वैभव और पराभव आज से सदियों साल पुराना रहा है। एक कदम आगे, राष्ट्रपति बाइडेन कहते हैं साहब ऑटोग्राफ चाहिए, एक देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष पैर छू के स्वागत करता है, देखिए ज़ेलेंस्की से बायलैटरल बिल्कुल आमने सामने बैठ के बातचीत होती है, नहीं, और यूक्रेन ही ऐसा देश था। सुनिए, और आप उस समय की स्थिति समझिए, मैं कोई किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, तो जब यूक्रेन में युद्ध जैसे हालात थे और उस वक्त यूक्रेन और रूस दोनों से बात कर इवैक्यूएशन कराना, दोनों ही देशों से संबंध अच्छे रखना, इस बात की तारीफ तो उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान खान साहब भी कहते हैं। रजत भाई आप वो भूल जाते हैं कि जब राजीव गांधी जी अमेरिका जाते हैं और वहां पे रोनल्ड रेगन जो उनका राजीव गांधी जी का छाता लेके स्वागत करते हैं, अम्ब्रेला राजीव गांधी जी के लिए होल्ड करते हैं और राजीव गांधी जी के साथ चलते हैं और उनको कार में बैठाते हैं, वो वीडियो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो मैं दिखा दूंगा, अगर कहें तो अभी दिखा देता हूं आपको। तो राजीव है सोशल मीडिया पर, मुझे लगता है सब मीडिया पे है, यूट्यूब पे है, एक छोटा सा पॉइंट हमारे साथ, भारत का सम्मान नहीं था, परिमल कुमार जी लेकिन है, और हमें रवि जी के पास भी जाना है, रवि जी क्योंकि एक राजनीतिक, एक मिनट आ रहा हूं दीपक, नहीं एक छोटा सा कमेंट राजीव जी, भाई आप दीपक जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहली बात भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरा वो कह रहे हैं कि राजीव गांधी जी भी जब गए थे तो छतरी पकड़े एक राष्ट्राध्यक्ष चल रहा था। एक मिनट दीपक, एक मिनट में जब मैंने राजीव गांधी जी का नाम लिया आप भाग गए, नहीं मैं तो वही प्रश्न पूछ रहा हूँ, गलत बात है, नहीं 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 मैं तो वही प्रश्न पूछ रहा हूँ जो आपने प्रश्न लिया उसी को पूछ रहा हूँ, मैं वही राजीव गांधी जी वाला वीडियो दिखा रहे, मैं कह रहा हूँ साहब राष्ट्र अध्यक्ष की बात है, तो राजीव जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए, इसलिए नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है, भारत का सम्मान है, राजीव भाई 30 सेकंड में रिप्लाई कर दी फिर जाना है, आ रहा हूँ दीपक भाई, आ रहा हूँ एक मिनट, पर्याप्त समय आपको दिया है, राजीव पांडे जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए, सम्मान मिल रहा है, 30 सेकंड में ही रिप्लाई दूंगा। देखिए सबसे पहली बात, जब भी भारत का प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, कोई आदमी नहीं कह सकता ये गलत बात है, पहली बात। लेकिन आपको ये देखनी पड़ेगी बात कि 1947 में हम दुनिया की 13 नंबर की इकोनॉमी थी, इतना काम किया कांग्रेसियों ने कि वो 25-26 से बाहर चला गया और मोदी जी के नेतृत्व में हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। क्या मोदी जी के कार्यकाल में हर साल एक IIT नहीं जुड़ा, IIM नहीं जुड़ा, एम्स नहीं जुड़ा? देखिए सारी सरकारों ने काम किया है। दीपक जी जो इसको कांग्रेस BJP में लाना चाह रहे हैं, स्पीड की बात होती है कि स्पीड हम कहां गए, हमने कभी नहीं कहा कि IIT, बिल्कुल IIT देश ने बनाया है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हर साल एम्स, IIT और IIM की संख्या और एयरपोर्ट्स की संख्या और इकोनॉमी जो 13 नंबर की मतलब ये सब भारत के, आप कह सकते हैं समूचे भारत की विकास की कहानी है, इसको पार्टी से और नेता से ना जोड़ा जाए, ठीक है, और मोदी जी ने 5वें नंबर पे इकोनॉमी बनाई, ये तो मानेंगे ना। डॉक्टर रवि गोडसे साहब हैं,
अमेरिका जुड़े। रवि सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भारत की जो इंटरनेशनल लाइन थी, जिस पर भारत काम करता था इंटरनेशनल इश्यूज पर, वो क्या बदली है? बाहर से देखने वाला व्यक्ति, मैं भारत में बैठा हूं, बाहर से देखने वाला व्यक्ति, भारत से देखने वाले राष्ट्र अब भारत को किस रूप में देख रहे हैं? ताकत के रूप में देख रहा है। देखो, यूक्रेन और रशिया का जब जंग हुआ था, भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने रशिया का निषेध नहीं किया। उस समय ऐसा लग रहा था कि भारत गलत कर रहा है, लेकिन वो टाइम पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था। तो अभी भारत एकमात्र देश है जो रशिया को भी चलेगा और यूक्रेन को भी चलेगा, और भारत दुनिया की वाहवाह लेके जाएगा अगर ये जंग खत्म कर दिया, ये पैंडेमिक के बाद में आया था। और जो आप बात करते हो, एमर्सन कहता था कि हर कोई सयाना आदमी सेल्फिश होता है, खुदगर्ज होता है। तो अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत के प्राइम मिनिस्टर को इतना सम्मान देता है, तो उसके पीछे थोड़ी राजनीति भी है। और वो राजनीति ये है कि अभी भारतीयों की आपने जनसंख्या देख ली अमेरिकन स्टेट्स में, तो कैलिफोर्निया में 1.42 है, न्यूयॉर्क 1.62 है, न्यू जर्सी में 3.32 है, लेकिन इसका कोई माना नहीं है क्योंकि डेमोक्रेट जीतने वाले हैं। लेकिन जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स है, पेंसिल्वेनिया में जहाँ पर रहता हो वह 0.81 है, टेक्सास में 0.98 है, और जॉर्जिया में 0.99 है। तो 10,000 भारतीय मूल के लोग ये तय कर सकते हैं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट आगे कौन हो, तो इसलिए ज्यादा महत्व आ रहा है। लेकिन एक बात मैं क्विकली कहूंगा, जैसे दोनों पहले स्पीकर्स ने कहा है कि पॉलिटिक्स एंड्स एट वाटर्स एज, तो भारत की सीमा खत्म तो राजनीति खत्म। तो लेकिन ये बात दोनों को याद रखनी है, कांग्रेस को भी याद रखनी है, बीजेपी को भी याद रखनी है। अगर मोदी जी का सम्मान होता है तो भारत का सम्मान होता है, कांग्रेस ने वहां कुछ कहना नहीं चाहिए। और बीजेपी को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो मोदी जी बीजेपी के लेयर की हैसियत से नहीं गए, वो भारत की प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से गए हैं। और अगर कोई नेहरू जी ने गलती की थी, अगर राजीव गांधी ने जो गलती की थी श्रीलंका के बारे में, लेकिन उसकी कोई बात नहीं होगी। जब गंधर्वों का महाभारत में कौरवों पे हमला हुआ था, युधिष्ठिर ने कहा था कि गंधर्वों के लिए हम 105 है, 100 कौरव और 5 पांडव, वैसा ही पूरी दुनिया के लिए कांग्रेस और बीजेपी हम एक है। और 2020 में राजनीति की बात नहीं करता, मैं डॉक्टर हूँ, 2024 के क्विकली बात कहूंगा। फ्रैंकलिन डेलानो रूज़वेल्ट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वो 4 बार इलेक्शन जीत चुके थे, उसके बाद में हमारा रूल आया। हाँ ठीक है, तो परिमल जी मैं आपके पास आऊंगा, एक बार आसिफ जी के पास जाना है, आसिफ रमेश दाऊदी साहब है। दाऊदी साहब, ये जो एक नई सोच वाला भारत इस वक्त, और लोग कहते हैं सशक्त है, वो आंख में आंख डाल के बात करता है, आंख झुका के बात नहीं करता। जी, मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि जो आपने आंख में आंख डाल के बात करने की बात, अगर आप उसको अंतरराष्ट्रीय लेवल से देखते हैं, मैं तो खुद हिंदुस्तान में अभी नहीं हूँ और मैं देखता रहता हूँ पूरे वर्ल्ड अफेयर को और नजरें रहता हूँ क्या इस एतबार से, इसलिए कोई शक नहीं है, पॉलिटिक्स अपनी जगह होनी चाहिए, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, अभी अगर आप रिसेंटली पापुआ न्यू गिनी की बात कर रहे हैं, जापान की बात कर रहे हैं, उससे पहले की जो तमाम उनकी विविध रही हैं, जो सच बात होती है उसको कहना चाहिए, जहाँ पे क्रिटिसाइज करने की बात होती है वहाँ पे हमें डेमोक्रेटिक राइट्स हम क्रिटिसाइज भी करें। ये सच्चाई है कि आज हम पूरी दुनिया में आँख मिलाकर बात करते हैं, जाहिर हिंदुस्तान का नाम होता है। मैं भी किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं या फिर हम जैसे जितने भी भारतीय रहते हैं बाहर, और जब उनको लगता है कि उनके प्रधानमंत्री उनकी हाई प्रोफाइल डेलीगेशन उसके मुल्क से, मैं यहाँ हूँ, यहाँ गई, किसी और मुल्क में चले गए, वहाँ उनका बड़ा सम्मान हुआ, वहाँ बड़ा नाम हुआ, इससे फख्र होता है। हर एक भारतीय को, हर एक हिंदुस्तानी को फख्र होता है। और हमें लगता है कि उस वक्त हम किसी भी तरीके की जात पात या पॉलिटिकल या जो रीजनल, कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है। और अभी हमने ये महसूस किया है और हम करते हैं, इंटरनल मैटर्स जो भी हैं वो अपनी जगह हैं और मसाइल होते हैं कहाँ नहीं। लेकिन जब आप इसको फॉरेन अफेयर्स या उस नजरिए से आप देखेंगे, उस प्रिज्म से आप देखेंगे, वहां पे बैठ के देखेंगे, तो आपको लगेगा कि जो भारतीय बाहर है
और जब आपकी ठीक है परिमल, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास। एक बार हमारे साथ परिमल जी भी जुड़े हुए, एक बार परिमल जी के पास जाना है मुझे जेडीयू का पक्ष रखने के लिए, प्रवक्ता है परिमल जी। नीतीश बाबू क्या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होने जा रहे हैं? क्या वो विपक्ष को एक गुलदस्ते में लाकर खुद गुलाब का फूल बनने जा रहे हैं? क्योंकि बार बार ये बात उठ रही है कि नीतीश कुमार जी वो चेहरा है जो विपक्षी एकता को लेकर काम कर रहे हैं और बार बार कहते हैं कि नहीं कांग्रेस को साथ लेकर काम कर रहे हैं, वो लोग जिनको कांग्रेस से एतराज है लेकिन नीतीश बाबू कबूल है उनके पास भी जा रहे हैं, तो कहां तक जा रहे हैं नीतीश बाबू? परिमल जी, आपने कहा हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के संदर्भ में कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट, उन्होंने कभी ये बात नहीं कही कि मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूं या फिर ऑफिशियली, या यूनाइटेड किसी भी नेता ने या ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि आवर लीडर इज प्राइम मिनिस्टर इन कैंडिडेट। लेकिन एक बात बतला दूं आपको कि यदि आदरणीय नेता नीतीश कुमार यदि प्रधानमंत्री बनते हैं तो न सिर्फ जनता दल यूनाइटेड बल्कि संपूर्ण बिहार वासियों के लिए गर्व की बात होगी। जहां तक यूटिलाइजेशन का प्रश्न है तो मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से हमारे आदरणीय सर विजनरी हैं और जिस तरह पिछले 17 वर्षों से उन्होंने बिहार में विकास के नए प्रतिमान स्थापित किया है तो राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई यूएनडीपी जैसी संस्था, आईयूसीए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जैसी संस्था हमारे द्वारा प्रारंभ किए गए, सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए जो कार्यक्रम है जल जीवन हरियाली योजना उसकी सराहना की है। तो निश्चित रूप से जो हमारी सोच है जो संविधान के बचाने की हमारे आदरणीय नेता की मुहिम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस का जो मुहिम है, जो जल कल्याणकारी जो इनका अप्रोच है, उसके कारण निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर इनके प्रति लोगों की आशा भरी निगाहें इन पर है और निश्चित रूप से भारत की जनता भी यह चाहती है कि ये भारत के का नेतृत्व करे। जहां तक विपक्षी दलों के एकीकरण का प्रश्न है तो आप याद करें कि जैसे ही बीजेपी ने बिहार में आरएसएस के एजेंडे को क्रियान्वित करने का प्रयास किया, हमारे आदरणीय नेता ने उन्हें राजनीय बीजेपी को राजनीतिक हैसियत दिखला दी और उसके बाद उन्होंने पूरे भारत की समान विचारधारी वाली पार्टियां जो संविधान मुझे समय दीजिएगा उसको एकजुट कर लेट मी कंप्लीट। नहीं मुझे बोलने दे, नहीं आप हमें पक्ष न दे, यदि बुलाते हैं तो पक्ष न दे। आप कंप्लीट करिए सर। तो निश्चित रूप से एकीकरण होगा। अभी आपने कहा था, देखिए हम मैं सुन रहा था, आपने कहा कि आदरणीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो जो पैसिफिक रीजन के यात्रा पर है उनको काफी सम्मान मिला। तो निश्चित रूप से एक भारतीय होने के नाते हम सभी को गर्व होता है यदि हमारे कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष विदेश जाते हैं और उनको सम्मान मिलता है। लेकिन इस तरह की जो प्रक्रिया है ना, जिसको बीजेपी एज ए जीत के रूप में भुलाना चाहती है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर नरेंद्र मोदी की जो वैदेशिक नीति है अभी पिछले जो 8-9 वर्षों से इनकी शासन रही है और ये वास्को डिगामा की तरह विस्फोरण करते रहे हैं, ये भारत के गरीब लोगों के करदाताओं के पैसे का प्रयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बतलाए कोई मेजर ट्रेड एग्रीमेंट आज तक हुआ क्या? और कई कूटनीतिक गलतियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो गौरवान्वित हो रहा हूं। आपने भी चर्चा की कि नहीं वहां के कई राष्ट्राध्यक्ष ने उनको सम्मानित किया, जो हमारे संपूर्ण बिहार भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। लेकिन व्हाट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ, मैं आ रहा हूं क्योंकि राजीव जी मैं आपसे जवाब लूंगा जो परिमल जी ने बोला है वास्को डी गामा जी ने, लेकिन उससे पहले मुझे एक बार जाना पड़ेगा वीणा सीकरी जी के पास क्योंकि थोड़ा वक्त कम है वीणा जी के पास। वीणा जी एक चीज समझना चाहेंगे बहुत सरल भाषा में। पहले हम देखते थे एक फेडरल स्ट्रक्चर होता था जहां कॉमर्स सेक्रेटरी, एम्बेसडर्स, ज्वाइंट सेक्रेटरीज, फॉरेन सेक्रेटरीज, फॉरेन मिनिस्टर्स और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बातचीत करते थे। क्या वो सिनेरियो अब चेंज हो गया है? प्राइम मिनिस्टर जहां जाते हैं वो एक रिलेशन डेवलप करते हैं और वो रिलेशन झुक के डेवलप नहीं करते, बराबरी से करते, मोहब्बत से करते, जो तस्वीरें हम देखते हैं, या फिर ये तस्वीरें कुछ और होती हैं? देखिए मैं आपको यह बात बताऊं, जब प्रधानमंत्री वहां जाते हैं वो पूरे देश का नेतृत्व लीडर बन के जाते हैं। जो भी बाहर देशों में डिस्कशन होता है इट इज बेस्ड ऑन डिस्कशन जो इंडिया में हो चुकी है और इसके लिए जो फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो पूरा कायम है, सब स्टेट से बात होती है। हर एक जैसे आपने देखा कि पापुआ न्यू गिनी में तिरुकुरल हैड बीन रिलीज्ड इन द लैंग्वेज ऑफ पापुआ न्यू गिनी इन टॉक्सिन। अब ये जो है ये इतना
इतनी बड़ी चीज है, इट्स अ ह्यूज कल्चरल डेवलपमेंट, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द तिरुकुरल फ्रॉम तमिलनाडु हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू द ऑफिसर इन द इन पापुआ न्यू गिनी, और वहां के लोग इतने खुश हैं. दिस इज एन आउटरीच बेस्ड ऑन द इंडियन कम्युनिटी देयर, आउटरीच फ्रॉम ऑल ऑफ इंडिया. तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी के जो विजिट है ये पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं. इन्हें अलग अलग तरीके में देखना ये गलत बात है, क्योंकि और जो हम देखते हैं जो सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि उनके पर्सनल रिलेशन इतने अच्छे हैं ली ड्रॉन के साथ, और जो वहाँ के लोग हैं, जो प्राइम मिनिस्टर फिजी ने उनको ऑनर दिया, उनको हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, सिविलियन नेशनल अवार्ड दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पापुआ न्यू गिनी ने उनको अवार्ड दिया, वो ये एक भारत के लिए है और पर्सनल हमारे प्रधानमंत्री के लिए भी है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने पैसिफिक आइलैंड नेशंस के साथ एक स्पेशल बॉन्डिंग रखी है. हाँ. आपको ये याद होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री, किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ये सबसे पहला विजिट है पापुआ न्यू गिनी का. 70-75 सालों में किसी प्रधानमंत्री हम ये देश में गए नहीं थे, तो आप समझते हैं कि वहाँ पे कितना सम्मान है, कितनी चाह है हमारे प्रधानमंत्री के लिए कि वो आए. उन्होंने छोटे से छोटे देश को इतना सम्मान दिया है कि उसके साथ हम रिश्ते बांधना चाहते हैं, उनको हमारे जो तिरुकुरल है उनको ट्रांसलेशन करके उनको दे रहे हैं. और ये जो रिस्पेक्ट है भारत के लिए, इसका इम्पोर्टेंस को आपको अंदाज लगाना चाहिए. ये हमारे अंदरूनी बातों की जो आर्ग्यूमेंट हो रही है ये मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि भारत का जो शान सम्मान है वो हमारे प्रधानमंत्री जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और आपने देखा होगा कि जापान में G7 सबसे दुनिया के सबसे बड़े देशों के साथ उनकी वार्तालाप हुई, क्वाड की मीटिंग हुई. हाँ. G7 में उनकी बात हुई और फिर आइलैंड पैसिफिक नेशन के साथ उनकी बात हुई. तीसरी बार ये समिट हो रहा है जो हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन फिपिक फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड नेशंस कोऑपरेशन, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का शुरू किया हुआ है 2014 में, और अब 2023 में तीसरी बार इसका समिट मीटिंग हो रहा है. सारे देशों के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आए हुए हैं पोर्ट मोर्सबी में, और हमारे प्रधानमंत्री से मिले हैं, इकट्ठे मिले हैं, और अलग अलग बातचीत भी हुई है, उन्होंने अवार्ड भी दिए हैं. तो इसका महत्व हम मिनिमाइज नहीं कर सकते. जरूर जो भारत का जो सम्मान है, लीडरशिप रोल है पूरे विश्व में, जो हमारा विश्व गुरु का रोल है वो बिल्कुल जाहिर होता है. और अब ये चीजें बदली है, और इसके लिए बैकडोर पर्दे के पीछे से बहुत सारे एफर्ट्स भी लगते हूँ जो शायद हमको नहीं दिखते. मानता हूँ आपकी बात राजीव जी, क्योंकि वो परिमल जी ने आरोप लगाया था, उसके बाद आ रहा हूँ दीपक झाजी आपके पास. उन्होंने कहा साहब घूमने से फिरने से कुछ नहीं होता है, कहा जो फॉर्मूला आपने लिया बीजेपी का बिहार में देखिए क्या हाल हुआ. मैं उसी पर आ रहा हूँ. पहले बात तो अभी जो हमारे से पहले जो आपने डिप्लोमेट जिन्होंने पैनल पर रखा है उन्होंने बहुत सारी बातें बता दी कि G7 में हमारा क्या रिलेशन है. क्वाड जो दुनिया की जो पूरी इकोनॉमी आप देखेंगे ना, तो अमेरिका नंबर वन है, जापान है तीसरे चौथे पे, पांचवें नंबर पे हम है, और ऑस्ट्रेलिया से मिलकर के कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है. आज ब्रह्मोस आप एक्सपोर्ट करते हैं वियतनाम को, फिलीपींस को, जहां हम पहले जंक मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करते थे. आपको पता है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता. तो देश में आर्थिक स्थिति की बात जो है कि आज हम रसिया से तेल लाते हैं और उसको उस पर काम करके हम यूरोप को बेचते हैं. आपने देखा है कि उसकी कितनी आर्थिक स्थिति, इसके बाद भी यूरोप कुछ नहीं कर रहा है. तो ये तो पूरी दुनिया में आज भारत कहाँ है. अब जहां तक बिहार की बात उन्होंने कह दी कि जब हम RSS के वाले उसका इनका पता चल गया, तो इनको पहली बार पता चला था तो ये चुनाव अकेले लड़ गए थे 2014 में, आपको याद होगा. फिर ये दो सीट पे सिमट गए थे, फिर ये लालू जी यादव के साथ मिलकर के विधानसभा चुनाव लड़े और कुछ दिन के बाद फिर ये पलट गए तो हमारे साथ आ गए. जब हमारे साथ आए तो इनको हमने 17 सीट चुनाव लड़ा दिया, 16 सीट जीत गए, फिर पलट गए. अभी इनके प्रवक्ता को पता नहीं कि हो सकता है नीतीश जी पलटने के लिए ना कुछ पलटासन कर रहे होंगे कि क्या मैं कहा जा सकता हूँ. मुझे बताइए, 14 में आप 2 सीट जीते थे, 14 में 2 सीट जीते थे, आपने दम पे लड़े थे ना. नीतीश कुमार जी अपने दम, नहीं सुनिए मेरी बात, नीतीश कुमार अपने दम पे चुनाव लड़े थे 14 में, 2 सीट पे जीते थे. झूठ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, देख सकते हैं. परिमल जी एक बार कंप्लीट कर लेंगे राजीव जी को, क्योंकि आप बोल रहे थे उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया. मैं चाहता हूँ एक बार वो अपना पक्ष रख ले, और वो जो बार बार वाली इमेज है कि साफ पलट तो नहीं जाएंगे, इस पर आपसे एक आंसर, उसके बाद दीपक के पास. केवल इतना कहना चाह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी अपने दम पर ने बिहार में कोई फोर्स नहीं. दो बार मैंने बताया, अपने दम पे वो एक ही चुनाव लड़े, वो लड़े 2014 का लोकसभा चुनाव. ज्यादातर जगहों पर उनकी जमानत जब्त हो गई और केवल 2 सीट जीत करके आए. आज अगर वो अपने दम पे लड़ेंगे ना तो 40 में 40 जगह जमानत जब्त. अभी वो कितने पार्टियों का अलायंस का लीड कर रहे हैं आपको पता है? कांग्रेस, CPIML, कम्युनिस्ट, CPI, RJD. वहां सबसे बड़ी पार्टी RJD है, बीजेपी और RJD की लड़ाई है.
मैं क्या कह रहा हूं ना, ये जिनके पास खुद दो रुपए जेब में नहीं है, वो पूरी दुनिया खरीदने की बात कर रहे हैं। मेरा केवल ये नीतीश कुमार जी के लिए कहना था। पॉइंट टेकन। परिमल जी मैं आ रहा हूं आपके पास कि अपना वजूद खो रहे हैं और क्या वापस तो नहीं चले जाएंगे। मैं मुश्किल, मुझे एक मिनट दीजिएगा, एक बार दीपक झा के पास जाना, क्योंकि सारी इर्द गिर्द जो बातचीत है विपक्ष की वो नीतीश कुमार पर सेंट्रिक हो गई है। दीपक, क्या कांग्रेस रेडी है कि पीएम कैंडिडेट 24 के लिए नॉन कांग्रेसी बनाया जा सकता है? आप ओके हैं इसके साथ? रजत भाई, सबसे पहले जो देश खरीदने, दुनिया खरीदने की बात कर रहे हैं प्रवक्ता साहब बीजेपी के, मैं इनको बता दूं, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, ये वाली बात इन्होंने सही कह दिया कि घर में रोजगार नहीं है, घर में महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ नहीं दिखाएंगे, बाहर मोदी जी का जलवा दिखाएंगे, 5 लोगों को खड़ा कर देंगे, बोलेंगे देखो मोदी मोदी हो रहा। तो घर की, मैं इन्होंने सही कहा, रशिया से तेल खरीद के यूरोप को बेच रहे हैं लेकिन घर वालों को सस्ता नहीं देंगे, भैया हमारी जेब काटेंगे। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि भैया अब हम 20 रुपये पेट्रोल कर देंगे, डीजल कर देंगे, लेकिन अभी वो सब गृह मंत्री जी कहते, ये तो सब जुमला था। तो देश ढूंढ रहा है उस महापुरुष को, उस महामानव को जिसने कहा था महंगाई की मार बहुत हो गई, अब की बार मोदी सरकार, अब मोदी जी आएंगे तो महंगाई छू मंतर हो जाएगी, मोदी जी आएंगे तो बेरोजगारी छू मंतर हो जाएगी। तो अरे इन जुमलेबाजों को तो देख लिया है देश ने। और रही बात कर्नाटक ने, इनको ऐसा मारा है कि चेहरा देश में दिखाने लायक नहीं बचे हैं भाजपा के नेता, गृहमंत्री, प्रधानमंत्री, इसीलिए बाहर जाके चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात विपक्ष, मैं बीच में नहीं बोला भैया, बड़े भैया बीच में नहीं बोलता, आपने सुनिए राजीव भाई, एक बार कंप्लीट कर लेंगे दीपक जी। दूसरी बात क्या है, बकवास कर रहे हैं, दूसरी बात क्या है, बकवास तो यही है ना, रशिया से तेल ले आते हैं और बाहर बेच रहे हैं, ये बकवास है क्या? देश को बताइए आप, कितनी बड़ी एक काला बाजारी क्यों कर रहे हैं, देश की जनता के साथ बाजारी क्यों कर रहे हैं आप? बिजनेस है, सवाल का जवाब दीजिए, देश को महंगा डीजल पेट्रोल क्यों दे रहे हैं आप? अरे आपको पता है, पांडे जी बताएंगे आप लोग, देश के साथ गद्दारी आप लोग करते हैं, धोखेबाजी आप लोग करते हैं, समझ नहीं आ रहा है, आपने बोल दिया है। दूसरी बात मैं बोलूंगा राकेश भाई, इसलिए ऐसी बात, विपक्ष मोदी जी से नहीं लड़ रहा है, विपक्ष मोदी जी के उन जुमलों से लड़ रहा है, विपक्ष मोदी जी के भ्रष्टाचार से। मैंने आपको पॉइंट ले लिए, मैं इस पॉइंट का जवाब ले लूंगा बीजेपी से। मेरा जो सवाल था, सुनिए ना कांग्रेस पार्टी, विपक्ष जी मेरा भी सवाल सुन लीजिए, आपने पूरा तौर पे पूरा 1 मिनट बोल लिया। अब मेरा सवाल था, क्या नॉन कांग्रेस पीएम कैंडिडेट फॉर 24 आपके साथ ओके चलता है नीतीश कुमार जी? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सारे विपक्षी दल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, जो जुमलेबाजी के खिलाफ हैं, जो मोदी जी के उस झूठे बयानों के खिलाफ हैं, वो सब एक हैं। प्रधानमंत्री का मुद्दा नहीं है भैया, देश मुद्दों से चलता है, देश काम से चलता है। चेहरे से अगर चलना होता ना तो बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो चेहरे के नाम के प्रधानमंत्री बन जाते। तो चेहरे से प्रधानमंत्री नहीं, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए जिसके अंदर थोड़ी सोचने और समझने की नहीं। और देखिए 2000 का नोट बंद किया इन्होंने, सुनिए बड़ी काम की बात, 2000 का नोट बंद किया, बिना आईडी बिना प्रूफ दिए आप जाके नोट चेंज करवा लीजिए, ये किसके लिए सहूलियत है? इन्होंने अपने मित्रों के लिए सहूलियत दिया है, बैंक कोई डिटेल नहीं ले रहा आपसे, तो करोड़ों रुपए किसके पास है? ना आपके पास है ना हमारे पास, गरीब आदमी तो खुश है, गरीब आदमी के पास नहीं है। तो इन करोड़ों लोगों के पास जो है करोड़ों लोग रुपए जिनके मित्रों के पास, और मित्रों को सहूलियत देने के लिए, तो मोदी जी का चाल चरित्र और संस्कार पूरा देश देख रहा है भाजपा का। और अब इनको परिमल जी के पास जाना है। परिमल जी, इन्होंने बीजेपी ने आरोप लगाया था, राजीव भाई आ रहा हूं पास, कि साहब जो जमीन थी राजनीतिक वो नीतीश बाबू की बिहार में खिसक चुकी है, पहला। दूसरा, कहा संभाल के रखिए प्रवक्ता साहब आप, ये मैंने राजीव जी ने कहा, कहा कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा आते आते नीतीश बाबू ही वापस चले जाए। तो मैं सभी मुद्दे पर आपको जवाब देता हूं। पहले उस मुद्दे पर जिससे ये चर्चा शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री जो पार्टी रीजन में यात्रा कर रहे हैं, तो उसके संदर्भ में मैंने कहा कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और हमारे प्रधानमंत्री को कहीं भी यदि गौरव और सम्मान मिलता है तो संपूर्ण भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। लेकिन इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप 2024 के बाद जो इसकी वैदेशिक फॉरेन पॉलिसी रही है इसकी समीक्षा करें तो आपको वास्तविकता का पता चल जाएगा। देखिए बीजेपी को तो आदत है ब्रांडिंग करने का, मैं उदाहरण देता हूं कहां कहां चूक रही है, ये कूटनीतिक चूक हुई है बीजेपी से या नरेंद्र मोदी सरकार से। हाँ। कि पिछले साल बाद जब अमेरिका के में चुनाव हो रहे थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे थे, या भारत इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई कि नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, वह ट्रंप के समर्थन में नारेबाजी किए, राउडी ट्रंप के नारे लगवाए गए, परिणति ये हुआ कि ट्रंप तो हारे ही, अब जो बाइडेन है
उनके शासनकाल में वहां रह रहे भारतवासियों को कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है शायद बीजेपी वालों को पता नहीं। वर्किंग वीजा इत्यादि के जो कंडीशनलिटी है काफी कठोर कर दिए गए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये कहते हैं कि आंख में आंख मिलाकर बात करना, हमारी स्थिति हिंद महासागर की जियोपॉलिटिक्स में काफी कमजोर हुई है। धीरे धीरे हिंद महासागर में चीन के वर्चस्व होते जा रहे हैं और भारत को रोकने में सक्षम नहीं है। अब देखिए जो नेपाल जैसा छोटा राज्य जो हमारा परंपरागत साथी रहा है वह उसके साथ लैंड डिस्प्यूट काला पानी जैसे लैंड डिस्प्यूट प्रारंभ हो गए हैं, वह हमके मुझे आंख मिलाना प्रारंभ किया। फिर आप देखिए जब 2024 के फोरम समिट हुए थे अफ्रीकन यूनियन तो नरेंद्र मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि भारत गरीब अफ्रीकी राष्ट्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा और वह कैसे करेगा तो भारत फंड ट्रांसफर करेगा अफ्रीकन यूनियन को और अफ्रीकन यूनियन गरीब अफ्रीकन राष्ट्रों को फंडिंग अवेलेबल करवाएगा। आपको मैं बतला दूं कि भारत बड़े पैमाने पर करदाताओं के पैसे को तो ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, ले और अफ्रीकन राष्ट्रों को भी मिल रहा है पैसा, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज आर ऑब्लाइज टू द अफ्रीकन यूनियन बट नॉट ऑब्लाइज टू इंडिया। तो देखिए ये कूटनीतिक चूक है कि नहीं, प्रत्येक घटना दुर्घटना में नरेंद्र मोदी पाकिस्तान और मुसलमानों को इसके लिए किसी भी घटना के लिए आरोपी बनाते हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि जितने भी हमारे परंपरागत साथी गल्फ कंट्री के थे जो हमें पेट्रोलियम या पेट्रोलियम रिसोर्सेज प्रदान करते थे वो सब हमसे दूर होते चले गए। एक मिनट रोक रहा हूँ क्योंकि दाऊदी साहब हमारे साथ हैं, दुबई से बैठे हैं। रमेश साहब क्या आप परिमल जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं जो बात ये कह रहे हैं गल्फ कंट्रीज के बारे में? एक मिनट परिमल जी, आपने एक सवाल उठाया है, एक प्रश्न आपने उठाया है, परिमल जी मैं उसका जवाब तो ले लूं। आपने एक सवाल उठाया है सरकार के ऊपर, विदेश नीति के ऊपर, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। और जाने माने जानकार है दाऊदी साहब, जो परिमल जी कह रहे हैं क्या आप उससे सहमत हैं? एक मिनट परिमल साहब जवाब ले दीजिए, एक मिनट जवाब दाऊदी साहब। मैं इसमें यह कहना चाह रहा हूँ कि जब बात आप करते हैं आंख में आंख मिला के बात करने की, और जब आप आपने बुनियादी सवाल उठाया है, एक बार रमेश साहब उसका आंसर दे दें। अगर आप असंतुष्ट होंगे उससे तो एक बार दोबारा काउंटर पूछ लीजिएगा। राजीव जी भी इंतजार कर रहे, जाना उनके पास। दाऊदी साहब, हाँ मैं ये कह रहा हूँ जिसपे मुझे हमारे को पैनलिस्ट ने बोलने नहीं दिया, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप जब बात करते हैं चाइना की और पाकिस्तान की तो वो तो हमारे एडवर्सरीज हैं, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? वो लोग चाहते हैं कि आप उनसे लड़ो, वो लोग चाहते हैं कि आप हमारी स्थिति यूएस सिक्योरिटी काउंसिल में क्या है, ये बोलने का मेरी बात आप जो बोल रहे थे आप खामोश थे, मेरी बात नहीं हो पाएगी पूरी। आप पॉलिटिकल डिबेट करते हैं, आप कह रहे हैं आप थोड़ा सा संयम रखे, मुझे बात कंप्लीट करने दें। परिमल जी एक बार उनको कंप्लीट कर लें दीजिए। परिमल जी मेरा बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, अनुरोध कर रहा हूँ, 30 सेकंड में वो अपनी बात कंप्लीट कर लेंगे और जो सवाल आपने उठाया उसका उत्तर शायद आपको मिल जाएगा। दाऊदी साहब आप सुनना ही नहीं चाह रहे, ये बहुत ही अजीब सी बात लगी मुझे। दो बार आपने आप मानेंगे नहीं परिमल जी, क्या करो, म्यूट कराना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार रमेश साहब को अपनी बात पूरी कर ले दीजिए, उसके बाद आपको आप सहमत नहीं होंगे आप अपनी बात फिर रखिएगा पुरजोर तरीके से। रमेश जी अपनी बात पूरी करिए, मसाइल है वो करें वो आपके, लेकिन आप जब बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी की तो बहुत ही शानदार है, और हम हर जगह उस चीज को लेके ये बिल्कुल वो खुश होते हैं कि कितनी अच्छी पॉलिसी है, लेकिन आप उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि जब आपका पॉलिटिसाइज करना वहां से आप करें, लोगों की आप मुझे इस तरह से, मुझे इतना बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप एक इंटेंशन लेके आ रहे हैं कि आपको बस डिबेट करना है, मतलब उस पर भी राजनीति बहुत तेज चल रही है, ठीक है। आ रहा हूँ आपके पास राजीव भाई, इस देश में बिना राजनीति के कुछ नहीं होता। आपकी साख बड़ी है, नहीं बड़ी है उस पर भी राजनीति, प्रधानमंत्री का विदेशी दौरा है उस पर भी राजनीति, तो बिना राजनीति के तो देश चलता नहीं है।
अब ये राजनीति किसके लिए फलदायक है ये सोचने वाली बात है। राजीव पांडे जी, कर्नल साहब, अभी आपने अभी आपके एक इंडिपेंडेंट आदमी जो दुबई से या गल्फ कंट्री से बात कर रहे थे, उन्होंने जो बात कही वो तो भाजपा के प्रवक्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि देश का सम्मान बढ़ा, इनको कुछ पता नहीं है कि इंडियन पासपोर्ट की जो वैल्यू है, आज काम करने के लिए कोई गल्फ जा रहा है उसका कंपैरिजन में आप देख लीजिए, कह रहे हैं पूरी दुनिया जी, मुझे म्यूट करना पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि इंडिविजुअली लोग अपनी बात रख सकते हैं, आप सहमत मत होइएगा, उनको अपनी बात तो कंप्लीट करने दीजिए। आप टंडन साहब, मैं 10 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूँ। मेरा कहना है, अभी इंडिपेंडेंट पैनलिस्ट ने जो कहा, इंडिपेंडेंट जो डिप्लोमेट थे उनको आप सुनिए कि दुनिया में आज एक ही इसका उदाहरण है। लास्ट लाइन बता रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में, G20 का चल रहा है समिट, केवल चाइना जो हमारा डिक्लेयर्ड आज के डेट में हमारा बॉर्डर पे इशू है उनके चाइना के साथ, और उसका क्लाइंट स्टेट पाकिस्तान को छोड़ करके दुनिया की सारी कंट्री भी, सारी मुस्लिम कंट्रीज, सारा जिनका OIC में भारत के लोगों को बुला करके बिठा के बात कराया जाता है, और ये कह रहे हैं हमारी पॉलिसी खराब है। देश में जहां तक आर्थिक स्थिति है, मैंने बताया 13 नंबर पे 47 में थे, 25 पे इंदिरा जी मेहनत करके ले गए, मोदी जी 5 पर लेके आए हैं, और मैं बता रहा हूं मोदी जी के नेतृत्व में हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी 2028 से पहले बनेंगे। दोनों प्रकार का प्रभाव है। जहां तक है कि पॉलिटिक्स, ये जो कांग्रेस के जो यहां एक कर्नाटक में इनकी जीत हुई उनके लिए बधाई, बिहार में 0 सीट है, यूपी में 1 सीट में है, वेस्ट बंगाल में भी वही पूरे नॉर्थ ईस्ट से साफ है, उड़ीसा में 0 है, फिर भी इनको आता है। दीपक जी वैसे मेरे हिसाब से कांग्रेस की तरफ से बात कर रहे हैं, उनको बधाई हो, इसी तरीके से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वो काम करते रहे। चुनाव होता है और जब जब कर्नाटक में जो सरकार आती है वो लोकसभा नहीं जीतती, अभी तक का इतिहास है, तो इनको 2024 में आ रहा हूं आपको इतिहास की एक बात भी बताएंगे। जो झूठ झूठ जितनी बातें झूठ बोल रहे हैं ना, ये जितनी बातें झूठ बोले खूब बोलते रहे, ये जम के झूठ बोले, और इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया में भारत का जो आज प्रभाव है। आप इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से पूछिए, मैं तो अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं। राजीव भाई एक बात, क्योंकि आपने एक सवाल उठाया है और मुझे लगता है दीपक जी उसका जवाब भी देना चाहेंगे। कहा साहब कर्नाटक जो जीतता है वो लोकसभा हारता है। राकेश भाई, तो यही इतिहास। राकेश भाई मैं एक बात और जोड़ूंगा इसमें, पहले इन्होंने पांडे जी ने क्या कहा कि पासपोर्ट की वैल्यू घटी है, रेटिंग घटा दिया गया है इंडियन पासपोर्ट का, जो पिछले साल रेटिंग थी उसमें 3 पॉइंट माइनस कर दिए गए। तो कहां से झूठ बोल के आते हैं भैया, मतलब मुझे आज आश्चर्य हो रहा है कि भाजपा खुले आम राष्ट्रीय चैनलों पे झूठ बोलते हैं, हमारे पासपोर्ट की घटी है इंडेक्स में। भैया क्यों इतनी बेचैनी, झूठ में जब सच का आईना दिखाता है ना आदमी, तो बेचैनी निकल के सामने आ जाती है पांडे जी। और ये बेचैनी आपकी बता रही है कि कितना झूठ आप बोल रहे हैं, और सच का सामना आपका होता है ना राहुल गांधी से, ये तो पूरी दुनिया देख रही है ना, तो आप लोग कैसे प्रधानमंत्री जी सम्मान में पैर छू लेते हैं, आपको बता दिया है। और सुनिए दूसरी बात, सुनिए क्या परिस्थिति है, हमने देखा हुआ है कि आपके जब अध्यक्ष राजीव गांधी जी बगल में राहुल गांधी करते रहिए, राहुल गांधी करते रहिए, लेकिन मैं मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। भाजपा का चरित्र यही है, भाजपा महंगाई पे बात नहीं करेगी, बेरोजगारी पे बात नहीं करेगी, देश की अर्थव्यवस्था। और सुनिए 47 की बात करते हैं, 47 में देश आजाद हुआ था, देश बना है, और देश को हमने कहां ले गए आपको पता भी है कि नहीं पता है। इंदिरा गांधी की बात करते हैं आप, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन है आप बताते हैं, ज्ञान देने आते हैं आप, अरे सर माननी चाहिए। आपका राष्ट्रवाद सिर्फ जुमलों में है, भाषणों में है, हमारा लगता है ये बहस आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि 24 की लड़ाई है, तकरार 24 तक चलेगी, और कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर राजनीति ना हो। देश का सवाल में आप सभी मेहमान आए, बहुत शुक्रिया आपका। कोशिश ये थी कि समझे कि एक तरफ जहां भारत के प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल हो रहे हैं और साथ भारत की बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश बाबू विपक्ष को एकजुट करने में लगे। बात सारी एक और बात है 24 का आम चुनाव। देश का सवाल में आज के लिए तय, आगे देखते रहिए।